हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियास कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। तो चलो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे पिज़्ज़ा की डो, और इसके लिए लिया है नीम गर्म पानी 1/2 कप, और चीनी ली है 2 टेबल स्पून, इंस्टेंट ईस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। और अब 1 कप में शामिल कर देंगे 1/2 कप पानी, और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून चीनी और 1 टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट डालेंगे, और इसको मिक्स करके अच्छी तरह इसको राइस होने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और इसको राइस करने का मकसद ये होता है, आपको पता चल जाए कि अगर आपका ईस्ट सही काम कर रहा है या नहीं, अगर पुराना हो चुका है या ख़राब हो चुका है तो वो राइस नहीं होता, और इस तरह फिर आपकी डो बाद में ख़राब नहीं होती। और आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट में मेरा ईस्ट अच्छी तरह राइस हो चुका है, इसको हम साइड में रख देंगे। और अब मैंने लिया है 2 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर, और इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया था, आप जब भी यूज़ करें इसको छान के यूज़ करें। और इसमें शामिल किया है नमक 1/2 टीस्पून, और इसको जो हमने राइस किया था इंस्टेंट ईस्ट का मिक्सचर, इसको थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करेंगे। और अगर ईस्ट का मिक्सचर ख़त्म हो जाए तो आप थोड़ा सा इसमें नीम गर्म पानी ऐड करें और इसको गूंद लें हाथों की मदद से, उस टाइम तक जब तक इसकी डो नहीं बन जाती। और फिर इसके ऊपर ऑयल लगा के थोड़ा सा इसको फिर अच्छी तरह गूंद लेंगे, और इसको क्लिंग रैप लगा कर इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो है चिकन की मैरिनेशन। और इसके लिए लिया है चिकन ब्रेस्ट फिले 250 ग्राम, और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है मैंने। और अब इसको मैरिनेट करेंगे, इसमें शामिल की है दही 1/2 कप, और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया है 1 टेबल स्पून, और इसमें शामिल करेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और साल्ट ऐड करेंगे इसमें हम 1/2 टीस्पून, और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। और ये तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह इसको हम क्लिंग रैप लगा के इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए। और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा था, रेफ्रिजरेट नहीं किया था। और अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल किया, और इसमें शामिल करेंगे हम मैरिनेटेड चिकन, और इसको पकाने के लिए रख देंगे मीडियम लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और जब चिकन अच्छी तरह पक जाए तो इसमें शामिल करेंगे बर्निंग चारकोल, और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसका सारा स्मोकी फ्लेवर आ जाए चिकन में। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है पिज़्ज़ा सॉस बनाने का। और इसके लिए लिए हैं मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, और इनके दरमियान से काट के बड़े बड़े पीसीज में इनको ब्लेंडर में डाल के इनके प्यूरी बना लेंगे। और अब एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया, और इसमें शामिल किया है चॉप्ड गार्लिक 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद प्याज स्मॉल क्यूब्स में कटी हुई, और इसको साथ ही फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटो प्यूरी, और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे साल्ट 1/2 टीस्पून, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, और ये मिक्स हर्ब्स डाली है मैंने इसमें 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास ओरिगानो लीव्स हैं आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और इसमें बटर डाला है 1 टेबल स्पून, और इनको अच्छी तरह पकाने के बाद इसमें शामिल कर दिया है 1/4 कप टोमेटो केचप, और इसको मिक्स कर देंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह पक चुका है और रेडी है। और इसके बाद इसको हम रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और तकरीबन 2 घंटे बाद हमारी डो राइस हो चुकी थी। और अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसको मैंने दोबारा से थोड़ा सा गूंद लिया, और इसको फिर बेकिंग मैट में निकाल लिया।
और अब इसको हाथों की मदद से इसको हम फैला लेंगे पिज़्ज़ा पैन के साइज़ के हिसाब से। और मैं तकरीबन ये मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही थी और मेरा 12 इंचेस राउंड पिज़्ज़ा पैन है। और अगर आप लोग स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आप इसको डो को दो हिस्सों में तकसीम कर लें और अपने पिज़्ज़ा पैन के हिसाब से इसमें एडजस्ट कर लें। और फिर इसको बेलन की मदद से थोड़ा सा मैंने बराबर किया और फिर डो को इसी में लपेट के इसको फिर पिज़्ज़ा पैन में शिफ्ट कर दिया। और ये पिज़्ज़ा पैन को मैंने ऑलरेडी आयल से ग्रीस करके इसको ऑल पर्पज़ फ्लावर से मैंने डस्ट कर लिया था। और फिर इसको हाथों की मदद से इसको इसमें अच्छी तरह फैला लेंगे। और इसको पिज़्ज़ा पैन में अच्छी तरह फैला लेने के बाद इसको हम फोक की मदद से प्रेक करेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे पिज़्ज़ा सॉस जो हमने पहले तैयार की थी। इसको अच्छी तरह फैला लेने के बाद पिज़्ज़ा के ऊपर इसमें हम शामिल करेंगे चिकन जो ये हमने पहले पका के रखी हुई थी। और इसके साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे वेजिटेबल्स, शिमला मिर्च, टमाटर और अनियन, ये तमाम मैंने जुलियन कट में काट के रखे हुए थे। और अब बारी आती है चीज़ की और यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही थी। आप लोग चाहें तो इसमें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। और इसको ग्रेट करने के बाद इसको मैंने पिज़्ज़ा के ऊपर अच्छी तरह फैला लिया। इसमें मैंने शामिल किए हैं ग्रीन ऑलिव्स और इसके साथ ही शामिल किए हैं ब्लैक ऑलिव्स और स्वीट कॉर्न। और इसके बाद हम दोबारा से इसको चीज़ से कवर कर देंगे अच्छी तरह। और इसके जो एजेस हैं उसको हम बटर से ब्रश कर लेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर हम शामिल करेंगे ओरिगैनो लीव्स एंड रेड चिली फ्लेक्स। और इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया था। और इसके एजेस को बटर से ब्रश कर लेंगे हम। और फिर इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से पीसेस में काट लेंगे। और चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तैयार है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। और आप लोग भी इसे ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।